नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति के 15वें सीजन में नजर आ रहे हैं। क्विज बेस्ड रियलिटी शो में अमिताभ अपने होस्ट करने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सवाल पूछने से लेकर कंटेस्टेंट से गपशप करने का उनका स्टाइल हर होस्ट से जुदा है। अमिताभ सवालों के दौर के बीच अपनी जिंदगी और अनुभव से जुड़े पुराने किस्से भी साझा करते रहते हैं। एक बार फिर अमिताभ ने एक अनसुना किस्सा साझा किया है। उन्होंने बताया कि संघर्ष के दिनों में वो एक खास वजह के चलते दिल्ली से चंडीगढ़ साइकिल से गए थे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अपने संघर्ष के बारे में खुलकर बात की और बताया कि कैसे वो एक विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए दिल्ली से साइकिल पर चंडीगढ़ पहुंच गए। अमिताभ ने ओडिशा के बालासोर से आए शेख अजमत का हॉट सीट पर स्वागत किया। एपिसोड के दौरान ही बिग बी ने कंटेस्टेंट से पूछा, शेख सर, आप एक टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है? कंटेस्टेंट ने सवाल का जवाब देते हुए कहा, सर, मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे गणित और भूगोल पढ़ाने में मज़ा आता है। मेरा मानना है कि बच्चों को गणित कठिन लगती है, इसलिए मैं नई तरकीबें और मनोरंजन तरीके खोजने की कोशिश करता रहता हूँ ताकि बच्चों को ये बोझ ना लगे। इसके बाद कंटेस्टेंट्स ने व्हाइट बोर्ड पर दिलचस्प ट्रिक प्रदर्शित की, जिसे देखकर अमिताभ बच्चन भी हैरान हो जाते हैं। एक्टर ने आगे कहा, 1956 में आप कहाँ थे? मैं गणित पढ़ रहा था और ये नहीं जानता था, अगर आप वहाँ होते तो मैं कुछ सिखा पाता। मुझे लगता है कि आपका जन्म भी नहीं हुआ था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे गणित समझ में नहीं आती है। बिग बी ने आगे कहा कि मैं यूनिवर्सिटी में BSc की पढ़ाई की क्योंकि मुझे कहीं और एडमिशन ही नहीं मिल रहा था। मैं कुछ और जगहों पर गया, मुझे दिल्ली में एडमिशन नहीं मिला तो किसी ने मुझे कहा कि तुम्हें एडमिशन चंडीगढ़ में मिल जाएगा, इसलिए मैं दिल्ली से साइकिल पर चंडीगढ़ गया। मुझे साइकिल चलाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, मैं चंडीगढ़ जाने वाली बस में चढ़ गया और पीछे की तरफ लटक गया। हर जगह एडमिशन के लिए धक्के खाए, लेकिन आखिर में दिल्ली के कॉलेज में मुझे BSc में एडमिशन मिल ही गया। अभिनेता ने आगे कहा कि 45 मिनट के पहले लेक्चर में मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक गलती कर दी। साइंस एक भयानक विषय है, मैंने 3 साल तक पीड़ा झेली और फिर वो किताब, उसे क्या कहा जाता है, गाइड बुक, मैंने उसे याद कर लिया और किसी तरह ग्रेजुएट हो गया, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आता। अगर मुझे आप मिल गए होते तो शायद मुझे बेहतर मार्गदर्शन मिल जाता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।